दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली च हुण स्थिति काबू च है ते दिल्ली वालियां दी मेहनत दा नतीजा है। केजरीवाल ने कहा कि अज दिल्ली च करीब 15,000 दे करीब बैड हन ते किसी तरह की कमी नहीं है। कोरोना की स्थिति ते केजरीवाल ने कहा कि अज मरीजों की गिनती घट रही है ते ठीक होने वालियां दी गिनती वध रही है। अज दिल्ली च 67% मरीज ठीक हो गए ने। केजरीवाल ने दस्सिया कि पहला जेकर 100 लोगों का टैसट हुंदा सी तां 31 लोग पॉजिटिव आउंदे सन, पर अज 13 लोग ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि इसनू देख के किसी नू खुश नहीं होना है, हाले भी सख्ती वरती जाएगी। जो भयावह स्थिति एक महीना पहले प्रिडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1,00,000 के करीब केस होंगे, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग एक तिहाई। ये हम सब लोगों की, आप लोगों की, हम सब लोगों की, सारे दिल्ली वासियों की मेहनत का नतीजा है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे समाज की मेहनत का नतीजा है कि हमने फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। 60,000 केस की उम्मीद थी एक्टिव केसेस की, इस टाइम 60,000 पेशेंट्स होंगे, उसके मुकाबले आज दिल्ली में 26,000 पेशेंट हैं। उस वक्त ये प्रेडिक्शन थी कि 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, डेली इतने केस आ रहे थे, डेली इतने केस आ रहे थे, और उस टाइम डेली 250 नए मरीज ऐड होते जा रहे थे, तो एक ये पूरी सिचुएशन में डर था सिस्टम के अंदर कि रोज 250 बेड बढ़ाने पड़ेंगे अपने को। आज उल्टा हो गया। इस टाइम मैंने ऐप देखा अभी, इस टाइम दिल्ली में 5,800 बेड केवल सारे अस्पतालों में मिला के, अस्पतालों में 5,800 कोरोना के पेशेंट हैं, मरीज हैं। एक हफ्ता पहले 6,250 मरीज थे, पिछले एक हफ्ते में 450 मरीज कम हो गए बढ़ने की बजाय। आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर लिया कोरोना के बेड्स का, अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड्स का, नॉर्मल बेड्स का, वेंटिलेटर का, आज हमने 15,000 बेड्स का इंतजाम कर रखा है दिल्ली में, लेकिन केवल 5,800 मरीज हैं। तो मरीजों की संख्या आज की डेट में दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन पंजाब टीवी।